कोलकाता ने दर्ज की बड़ी जीत, राजस्थान को 86 रन से दी मात। आईपीएल 2021 का 54वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए शुभमन गिल और वेंकटेश्वर अय्यर के बीच 79 रनों की साझेदारी हुई। इसके अलावा ओयन मॉर्गन 13 और दिनेश कार्तिक 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। केकेआर ने 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। कोलकाता के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब रही। कोलकाता के गेंदबाजों के आगे संजू सैमसन की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 1 रन के स्कोर पर उसके 2 विकेट गिर चुके थे और 35 रन के अंदर राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। राजस्थान की टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान की तरफ से राहुल तेवतिया ने सर्वाधिक 44 रनों की पारी खेली। केकेआर ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच को 86 रन से जीत कर अपने नाम किया। कोलकाता की तरफ से शिवम मावी ने सर्वाधिक 4 और लोगी फर्गुसन ने 3 विकेट झटके। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह सीजन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने 14 मैचों में मात्र 5 में जीत दर्ज की, जबकि 9 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल भी टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था और 8वें पायदान पर रही थी। कोलकाता से मिली बड़ी हार के साथ टूर्नामेंट में राजस्थान का सफर खत्म हो गया है। दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मुकाबले की जीत के बाद चौथे पोजीशन के लिए केकेआर बड़ी दावेदार है। 14 मैचों के बाद अब केकेआर के 14 अंक है और इस टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है।